हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फार्मा सेक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है, किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, आगे क्या कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए शेयर का जो टारगेट है आगे आने वाले 2 से 4 क्वार्टर में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियोस बड़ी आसानी से मिल जाया करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है कडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इनके जो बिजनेस हैं, एपीआई फॉर्मुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, अलायंसेस, आईआरएम ग्रुप कंपनीज। बेहतरीन कंपनी, स्ट्रेडलिंग द एंटायर लाइफ साइंस वैल्यू चैन, स्ट्रॉन्ग एपीआई लेगेसी है, विद सिंथेसिस क्वालिटी एपीआई सॉल्यूशन डेट स्पेन अक्रॉस लीडिंग थेरेपेटिक कैटेगरीज, नेमली रेस्पिरेटरी, डायबिटोलॉजी, गैस्ट्रियो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, पेन मैनेजमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स। स्टेट ऑफ आर्थ मैन्युफैक्चरिंग, USFDA, यूरोपियन यूनियन, MHRA, UK, WHO, सबसे इनको जो है अप्रूवल मिला हुआ है इंटरनेशनल नॉर्म्स पे। रोबस्ट रिसर्च है, 350 से ज्यादा साइंटिस्ट इनके पास काम कर रहे हैं। R&D सेटअप अच्छा है इनका। वर्ल्ड फर्स्ट इनोवेशन एट कैडिला, वी आर प्राउड टू बी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फर्स्ट इन द वर्ल्ड इनोवेशन इन द एरियाज ऑफ लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड गैस्ट्रियोएंटेरोलॉजी। बेहतरीन कंपनी, ग्लोबल आउटरीच है कंपनी के पास में। डायबिटोलॉजी थेरेपीज आप देखें, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रियो एंटेरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सारी इनके पास थेरेपी के प्रोडक्ट यूज इनके पास में मौजूद हैं। ये इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। कैडिला हेल्थ केयर, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। 70 ईयर्स का बिजनेस एक्सीलेंस है कंपनी के पास में। लगभग लगभग $7 बिलियन का मार्केट कैप है। फोर्थ लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है US में, एंड ब्रांड इनका जो है फिफ्थ लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया आप देखेंगे तो, एंड फर्स्ट इन आउट ऑफ सेवन प्रोडक्ट फर्स्ट इन 5 आउट ऑफ 7 प्रोडक्ट कैटेगरी, शुगर फ्री, नाइसिल, ग्लूकोन डी, न्यूट्रोलाइट, एवरयूथ, जाइडस, जाइडस वेलनेस जो है इनका, जो उनके थ्रू कैडिला हेल्थ केयर का बेहतरीन, कैडिला का ही ये प्रोडक्ट है जाइडस वेलनेस जो है नंबर 1 पे आते हैं ये। एनिमल हेल्थ बिजनेस, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल हेल्थ केयर कंपनी इन इंडिया। एनसीई एंड एनबी, फर्स्ट नैश थेरेपी अप्रूव्ड इन इंडिया, बायोलॉजिक्स एंड वैक्सीन, लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बायोलॉजिक्स एंड वैक्सीन पोर्टफोलियो अक्रॉस इंडियन फार्मा कंपनीज, जायडस कैडिला। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है कैडिला हेल्थ केयर। जायडस इज फोकसिंग ऑन 4 स्ट्रेटेजिक थीम्स टू ड्राइव इट्स फ्यूचर ग्रोथ, फोकस ऑन की जियोग्राफीज, इनोवेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड क्वालिटी, डिजिटलाइजेशन पर भी फोकस है कंपनी का। फिफ्थ लार्जेस्ट फार्मा प्लेयर बाय रेवेन्यू आप देखेंगे तो। प्रोग्रेसिव कमर्शियल मॉडल, नर्चरिंग मैंडेट ब्रांड्स, लेवरेजिंग डिजिटल, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन एंड पोर्टफोलियो अलाइनमेंट इन इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस, डन रिसेंटली, स्टार्टेड यील्डिंग रिजल्ट इन की टी है, जो कुछ अभी इन्होंने अभी रिसेंटली ही इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस कंप्लीट किए हैं अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने बनाया है। कार्डियो मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी, गायनोकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने उतारे हैं। लिपाजिन, अटोरवा, डेरीफिलिन, इस तरीके से। लॉन्चिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर टू कॉम्प्रिहेंसिवली मीट देयर नीड, विच विल हेल्प जाइडस ड्राइविंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। डॉक्टर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन टेलीमेडिसिन, प्रैक्टिस मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड एंड न्यूट्रल, पर्सनलाइज्ड एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट, डेटा सिक्योरिटी। तो जो इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूज किया है, जो लॉन्च किया है, उससे काफी कुछ फायदा कंपनी को आ गया होता हुआ दिखेगा। टारगेटिंग 100K
डॉक्टर्स ऑनबोर्डिंग बाई द एंड ऑफ ईयर 2021. ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट इन ब्रांड बिल्डिंग, डिफरेंशिएट पोर्टफोलियो एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर द की ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इन इंडिया बिजनेस. नियर टर्म प्रायोरिटी आप देखें, पोर्टफोलियो रियलाइजेशन, कोविड थेरेपेटिक एंड पोस्ट कोविड केयर पोर्टफोलियो, उसके लिए इनके पास अपॉर्चुनिटी है 25 से 30 मिलियन US डॉलर की. मैंडेट ब्रांड्स एंड न्यू लॉन्चेस का भी इनके पास में इस समय अपॉर्चुनिटी है, और जो ब्रांड है उसको अच्छा बनाना चाह रहे हैं ये. एंड न्यू प्रोडक्ट्स 3 साल के अंदर और भी काफी कुछ एक्सपेक्ट ये ऐड करते हुए दिखेंगे. मिड टर्म की प्रायोरिटी आप देखें, ये नियर टर्म, तो नियर टर्म में भी शेयर बेहतरीन आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाएगा. ये मिड टर्म की है, कंसोलिडेट करेंगे कोर थेरेपी को, कार्डियो गायने रेस्पिरेटरी एंकोलॉजी, एंड एम टू बी अ लीडिंग प्लेयर इन ब्रेस्ट कैंसर एंड सॉलिड ट्यूमर फ्रेंचाइज 2024 तक. डिजिटल कस्टमर एंगेजमेंट, ये मिड टर्म की है तो मिड टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन शेयर परफॉर्म करता हुआ दिखाएगा. लॉन्ग टर्म की प्रायोरिटी, इनोवेशन पोर्टफोलियो, कंटिन्यू फोकसिंग ऑन आईपी ड्रिवन इनोवेशन पोर्टफोलियो एंड एट लीस्ट वन फर्स्ट इन इंडिया प्रोडक्ट, जाइडस टू एस्टेब्लिश इट्स लीडरशिप इन कोर थेरेपी, इमर्ज एज अ लीडिंग प्लेयर इन नैश, डिजिटल एट द कोर ऑफ आवर बिजनेस. तो डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से ये कर रहे हैं अपने बिजनेसेस का, उनसे काफी फायदा इनको लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलेगा. तो नियर टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली शेयर आप बड़े आराम से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं. जाइडस वेलनेस हैज मेड बिग स्ट्राइड्स पोस्ट एक्विजिशन ऑफ हेंज. हेंज का इन्होंने एक्विजिशन जो किया है उससे काफी फायदा इन्हें मिलेगा. उसका भी 25 ईयर्स का ऑपरेशन है, 5 ब्रांड कैटेगरी है मार्केट लीडर में. हेंज जो है ये आपके इनके प्रोडक्ट हैं, एवर यूथ लीडिंग ब्रांड्स, ये सारे इनके लीड कर रहे हैं जो ब्रांड्स हैं. ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेशन, ये एक्विजिशन हैज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द फ्यूचर रेडी लीन कस्टमर सेंट्रिक एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विद अ मार्केट लीडिंग पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स. स्ट्रॉन्ग फोकस स्ट्रेंथनिंग बिल्डिंग ग्रोथ मोमेंटम, जो मैंने आपको जो बताए थे लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म एंड नियर टर्म के हिसाब से इनका स्ट्रॉन्ग फोकस है, अपना बिल्ड कर रहे हैं ये ग्रोथ मोमेंटम. जाइडस हैज अ लीडरशिप पोजीशन इन द यूएस जेनरिक्स स्पेस एंड एस्पायर्स टू बिल्ड अ कमर्शियली अट्रैक्टिव ब्रांड फ्रेंचाइजी इन मिड टर्म टू लोअर टर्म लॉन्ग टर्म. तो इनके पास में लीडरशिप पोजीशन है यूएस जेनरिक्स स्पेस में, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे ग्रोथ स्टोरी अपनी. 23 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं इन्होंने जेनरिक्स के. 2020 की परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ये यूएस में भी, एंड कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में भी इनके पास में स्पेशलिटी है. कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स एंड स्पेशलिटी पोर्टफोलियो, ये भी प्रॉफिटेबल ग्रोथ कर रहा है इनका जाइडस का. जाइडस इज फोकस ऑन वैल्यू सेंटरिंग पोर्टफोलियो, वैल्यू जिस प्रोडक्ट में वैल्यू है उसकी तरफ इनका ज्यादा फोकस है. डाइवर्स मिक्स ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज, जाइडस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन प्रोवाइड्स क्रिएटिंग अ वैल्यू सेंटरिंग पोर्टफोलियो. जाइडस इज डेवलपिंग पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स जेनरिक इंजेक्टेबल्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ड्रग डिवाइसेस कॉम्बिनेशंस प्रोडक्ट फॉर द यूएस मार्केट. 108 प्रोडक्ट इंजेक्टेबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, और भी ये धीरे 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 अभी देख सकते हैं आप अंडर डेवलपमेंट प्रोडक्ट भी है इनके पास 37 एंड फाइल्ड प्रोडक्ट है इनके पास 15 जो अवेटिंग है अभी, एंड अप्रूव्ड 56 प्रोडक्ट्स हैं इनके पास इंजेक्टेबल पोर्टफोलियो में, तो वो भी आगे लॉन्च होते हुए दिखेंगे आपको. जाइडस ब्रांडेड स्ट्रेटजी बिजनेस स्ट्रेटजी है, डुअल फोकस ऑन ऑर्फन डिसीज एंड स्पेशलिटी पोर्टफोलियो, इनका पूरा फोकस है जो ड्राइव करेगी फ्यूचर ग्रोथ को. ए पोर्टफोलियो ऑफ 9 R&D प्रोग्राम्स एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है इनके कुछ प्रोडक्ट जो है. ब्रांडेड बिजनेस स्ट्रेटजीज, ये बेहतरीन आगे ब्रांड को ग्रोथ देंगे जाइडस को. जाइडस इनोवेशन इंजन फ्यूल्ड बाय सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, बेहतरीन कंपनी जाइडस डेडिकेटेड टू लाइफ. कैडिला आप देख सकते हैं कंपनी जो है बेहतरीन काम करती हुई नजर आ रही है आने वाले टाइम में.
नियर टर्म स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं, ग्लोबल प्लेयर इन अवॉल्विंग बायोसिमिलर स्पेस, बायोसिमिलर स्पेस में भी ये आगे काफ़ी इनके लिए परफॉर्मेंस अच्छी आती हुई दिखेगी। क्रिएटिंग टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ पोर्टफोलियो जायडस जो है, एंड प्लान टू डेवलप एंड एंटर विद फर्स्ट वेव सेलेक्ट पोटेंशियल बायोसिमिलर सेलेक्टेड प्ले विद अ लिमिटेड पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन सिनेरियो, सीक पार्टनरशिप ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बेसिस। तो बायोसिमिलर स्पेस में भी ये आगे इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे, एंड 21 बायोसिमिलर पोर्टफोलियो में है एंड पाइपलाइन में है प्रोडक्ट्स इनके पास में। जायडस इमर्जिंग वैक्सीन प्लेयर भी निकलेगा आगे आने वाले टाइम में, 12 वैक्सीन प्रोडक्ट हैं इनके पोर्टफोलियो में, 5 मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D में 2 हैं, एंड 300 से ज़्यादा इनके पास डेडिकेटेड साइंटिस्ट हैं। ये सारी वैक्सीन है, ये सारे प्लेटफॉर्म है एंड वैक्सीन पॉपुलेशन ये हैं इनकी जो है, किस किस को जरूरत पड़ती है उनकी। और पोर्टफोलियो टारगेट 15 प्रोडक्ट्स, तो आप देख सकते हैं पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक एडल्ट, एयर ऑल पॉपुलेशन के लिए ये जो है रेबीज का टीका है वो भी, और वेरिसेला, TCV, फ्लू, रेबीज, HBP, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई, इस तरीके के ये वैक्सीन बना रहे हैं आगे, जिनकी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है। ग्लोबल वैक्सीन का मार्केट साइज आप देख सकते हैं 2026 तक $60 बिलियन का हो जाएगा। इनके पास में 15 वैक्सीन अवेलेबल हैं, बेहतरीन वैक्सीन इनके पास में अवेलेबल हैं कैटेगरीज में। जायडस इज डेडिकेटेड टू सप्लाई अफोर्डेबल वैक्सीन ग्लोबल मार्केट, एम्स टू गेट 2-3 वैक्सीन WHO प्री क्वालिफाइड बाई 2023। इस पर भी ये फोकस कर रखा है इन्होंने वैक्सीन को लेके, एंड COVID-19 की वैक्सीन पे भी जायडस का जो है पूरा फोकस है कि आगे उससे भी रिलेटेड वैक्सीन मार्केट में ये उतारती हुई दिखेंगी जायडस जो है। जायडस हैज ऑप्टेड कॉकटेल मैव अप्रोच विच हैज मार्केट पोटेंशियल ऑफ ओवर 6 बिलियन इज सेट टू हिट मार्केट September 2021। कॉकटेल जो है उनके थ्रू, एंड जायडस का मैं आगे और आपको थोड़ा डिटेल्ड में थोड़ा बताता हूँ किस तरीके से जायडस कैडिला हेल्थ केयर जो है आगे काम करती हुई नजर आ रही है। लेवरेजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म इन ऑल द फंक्शन एंड प्रोसेसेस टू ड्राइव क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डिजिटल डिजिटल जिस तरीके से अपने ये सारी चीज को कर रहे हैं, अपने जो मॉड्यूल को ये डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उससे काफी कुछ फायदा आगे बेहतरीन इनके लिए दिखेगा कंपनी को। तो फ्रेंड्स, बेहतरीन कंपनी है जायडस, आप इसको बड़े आराम से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी एंड मिड टर्म के लिए भी, मैंने आपको बताया जिस तरीके से। एंड आप इनका डिटेल्ड एंड हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इनके चार्ट पे, तो चार्ट आप देखें, बेहतरीन चार्ट ग्रो करता हुआ नजर आया, देन उसके बाद में चार्ट थोड़ा सा धीमा हुआ, आफ्टर डेट फिर से चार्ट में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना है, 115% का रिटर्न शेयर ने अपने स्ट्रॉन्ग बेस से कमा के दे दिया है, आगे भी परफॉर्म कर रहा है शेयर बेहतरीन, FD से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है, 64% एनालिस्ट शेयर को बाई करने के लिए बोल रहे हैं, सेक्टर PE के जस्ट बिल्कुल आसपास शेयर चल रहा है, 0.71 की डिविडेंड यील्ड शेयर ने जनरेट करके दी है, आपको वीकली एंड मंथली एवरी इंडिकेटर पे शेयर बुलिश नजर आएगा, एंड शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 1 है, 114 की बुक वैल्यू है शेयर की, EPS 18 की है, एंड शेयर आप देखें काफी टाइम बाद शेयर अपने जो कंसोलिडेशन के फेस है उससे बाहर निकलता हुआ नजर आया है, तो आगे भी परफॉर्म अच्छा करेगा। EPA सेक्टर से वैसे भी मार्केट में गवर्नमेंट से भी काफी इनको फायदा मिल रहा है, गवर्नमेंट की PLI स्कीम के थ्रू इनको भी फायदा मिलेगा, आप देखें रेगुलर कंटिन्यूस है कहना ये अपना डिविडेंट देते हैं, बोनस भी कंपनी ने दिया है 1:2, 1:1 के रिगार्डिंग बोनस कंपनी ने दिया है, नेट प्रॉफिट इनका सस्टेनेबल है एंड EPS भी इनकी सस्टेनेबल ग्रो कर रही है, धीरे धीरे सस्टेनेबल ग्रो कर रही है, 12 की ROE जनरेट करके कंपनी दे रही है जो कि अच्छी खासी ROE है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ₹504 का जो कैडिला हेल्थ केयर है, बड़े आराम से आपको 2 से 3 क्वार्टर के अंदर अगर ये अगर अपनी वैक्सीन भी ये लॉन्च करते हैं तो आपको ये यहाँ से 650 के बड़े आराम से यहाँ से टारगेट दिखा सकता है, और लॉन्ग टर्म के जिस तरीके से इनके जो प्लान्स हैं आने वाले 2023-2025 तक, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियो बड़े आराम से मिल जाया करेंगी। थैंक यू।